गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम सहर्ष जो स्वीकारा है वो पढ़ रहे थे, आधा हमारा हो गया था वो, अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो जब आप वीडियो ऑन करें तो आप पेज नंबर 31 निकाल लीजिएगा। देखिए, कंटिन्यू हम करते हैं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेशित आच्छादित, देखिए परिवेशित का मतलब होता है बच्चों चारों ओर से घिरा हुआ, और आच्छादित का मतलब होता है कि प्रिय से पूरी तरह घिरा हुआ। पहले मैं आपको मीनिंग समझा देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कठिन है ये वाला पैराग्राफ। रहने का रमणीय है उजेला, अब रमणीय मतलब होता है सुंदर, सहा नहीं जाता, सहा का मतलब है कि असहनीय दर्द जो है, ममता यानी कि अपनापन, और बादल की मंडराती कोमलता यानी कि छाई हुई जो ये कोमलता है या ममता जो हृदय को पीड़ा पहुंचाती है। पिराती मतलब पीड़ा या दर्द, ठीक है। कमजोर का मतलब होता है असमर्थ, अक्षम, इस तरह से। और आगे वो कह रहे हैं छटपटाती छाती, भव्यता डराती। भव्यता का मतलब होता है भविष्य, और डराती का मतलब होती है डराने। बहलाती सहलाती, आत्मीयता बर्दाश्त नहीं, अर्थात दर्द को कम ना करना। आइए हम एक एक लाइन समझते हैं। देखिए, इसलिए कि तुमसे ही परिवेशित आच्छादित, इसलिए का मतलब क्या होता है, कारण। वे कह रहे हैं कि कारण यह है कि उसका वर्तमान जीवन जो है वो अपने प्रिय से पूरी तरह से घिरा हुआ है, अर्थात वह अपने प्रिय का जो प्रेम है वो उसके ऊपर पूरी तरह से छाया हुआ है। स्टूडेंट्स, हम कल पढ़ रहे थे कि जो कवि हैं उनके एक रहस्यमय प्रेयसी हैं जिनके बारे में वो कह रहे हैं, और लास्ट हमने पढ़ा था कि वो कहते हैं कि मुझे अंधकार की गुफाओं में फेंक दो, अर्थात मुझे दंड दे दो, मैं दंड पाना चाहता हूँ, उस दंड में शामिल होना चाहता हूँ, ना लेना चाहता हूँ। तो आगे ही वो कह रहे हैं कि इसलिए कि तुमसे ही परिवेशित आच्छादित, अर्थात इसलिए का मतलब होता है कारण, कि उसका वो कारण बता रहे हैं, वो दंड लेना क्यों चाहते हैं, कि उसका कारण ये है कि उसका जो वर्तमान जीवन है वो वर्तमान जीवन अपने प्रिय उनके जो प्रेयसी है उससे पूरी तरह से छाया हुआ है, अर्थात घिरा हुआ है। उनकी प्रेयसी का जो प्रेम है वो पूरी तरह से उनपे हावी है, अर्थात उनके ऊपर छादित है। रहने का रमणीय यह उजेला अब, यद्यपि वो कह रहे हैं यद्यपि प्रिय से प्रिय का जो स्नेह है उस स्नेह का उजाला बहुत ही मनोरम है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, परंतु अब उसके लिए ये जो उजाला है वो दिन पे दिन अस नहीं होता जा रहा है, अर्थात उनसे अब वो दर्द नहीं सहा जा रहा है, है ना। कहने का तात्पर्य है कि उनके जो प्रियसी है, उनके जो प्रेमिका है, उसका जो उजाला है वो रमणीय है, सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो उजाला है, वो जो सुंदरता है, अब उनसे वो बर्दाश्त नहीं हो रही है, अर्थात कहीं ना कहीं उनसे वो सही नहीं जा रही, अर्थात उस प्रेयसी का जो मनोरम चित्रण है वो कहीं ना कहीं उनसे सहा नहीं जाता है, क्योंकि है ना ममता के बादल की मंडराती कोमलता, क्योंकि उसके मन में जो सदा अपने प्रिय के प्रति प्रेम है, ममता है, अर्थात उस प्रियसी की जो ममता है वो बादलों की तरह उनके ऊपर मंडराती रहती है, घुमरती रहती है। आगे वो कह रहे हैं कि भीतर पिराती है, और यही कोमलता ममता उसके हृदय को कहीं ना कहीं दुख देती रहती है, अर्थात दुख पहुंचाती रहती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, यह छटपटाती छाती को भव्यता डराती है। देखिए, कवि कह रहा है कि इस कारण उनकी जो आत्मा है वो आत्मा काफी कमजोर हो गई है, और कहीं ना कहीं उन्हें भविष्य में होने वाली जो आशंकाएं हैं वो डराती रहती हैं, परेशान करती रहती हैं कि प्रिय के बिना, प्रिय के अभाव में वो अब कैसे जिएंगे, अर्थात उनका जो जीवन है वो किस तरह से रहेगा। स्टूडेंट्स, एक बार फिर से देखते हैं हम। इसलिए कि तुमसे ही परिवेशित आच्छादित, कारण यह है कि ये उसका वर्तमान जो जीवन है वो पूरी तरह से उनकी जो प्रिय है, प्रेयसी है, उनसे कहीं ना कहीं क्या है, घिरा हुआ है, अर्थात उनका जो प्रिय है वो पूरी तरह उनके ऊपर छाई है, उनकी जो प्रेमिका है, प्रेयसी है, वो पूरी तरह से उनके ऊपर छाई हुई है। यद्यपि ये जो प्रेम का, स्नेह का, ये जो सारी चीजें हैं, उसका जो उजाला है ये बहुत ही
मनोरम है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है देखने में, लेकिन अब उनसे ये सारी चीजें, उसका जो ये उजाला है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा, अर्थात सहा नहीं जा रहा उनसे, ये सारी चीजें सहनीय हो गई, अर्थात असहनीय हो गई है, उन सारी चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ममता के बादल ही मंडराती कोमलता, वो कह रहे हैं क्योंकि उसके मन में जो उसके मन में जो सदा प्रिय के ममता है, उसके जो बादल है डरताते रहते हैं, अर्थात अपनी प्रियसी के प्रति जो ममता है, प्यार है, स्नेह है, जो हर समय मंडराते रहते हैं, उन पे हावी होते रहते हैं, है ना, लेकिन ये कहीं ना कहीं उनके हृदय को दुख भी पहुंचाते हैं, उनको पीड़ा भी देते हैं और वो सहन नहीं कर पाते। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह है, इस कारण उनकी जो आत्मा है, जब उनको दर्द मिलता है, उनके हृदय को दर्द पहुंचता है, तो उनकी आत्मा जो कहीं ना कहीं वो क्या हो गई है, कमजोर हो गई है, परेशान रहने लगे हैं वो, और इस चीज को वो सह नहीं पा रहे हैं, इस कमजोरी में वे असमर्थ हो गए हैं। छटपटाती छाती की भाव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। वे कह रहे हैं कि भविष्य में ये आशंकाएं, भविष्य की आशंकाएं उनको सताने लगी हैं कि अब वो अपनी प्रेयसी के अभाव में, प्रेयसी के बिना अब वो कैसे रह पाएंगे, इस बात की भविष्य की चिंताएं उनको सताने लगी हैं। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है, वे कहते हैं इसका डर जो, इसका जो भय है, वे उसकी छाती में छटपटाहट पैदा करता है। जैसे हमें भविष्य की कोई भी चिंता होती है तो कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, उसका दर्द हमारी छाती को हिला के रख देता है, छटपटाहट कर देता है, है ना, इसलिए अब उसे प्रिय का बहलाना, सहलाना और रहकर रहकर जतलाना कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, ये सारी चीजें सहन नहीं हो पा रही हैं, और वे सोचते हैं कि अब मुझे आत्मनिर्भर बन जाना चाहिए, अर्थात मुझे अपनी प्रेमिका के प्यार के बिना, स्नेह के बिना, उनके आंचल के बिना अपने स्वयं के पैरों पर खड़ा हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जिस तरह से उनको भविष्य में आशंकाएं जता रही है, उनकी जो प्रेयसी है, जो प्रेमिका है, वो ये कह रही है, उनको जता रही है कि मैं हूँ, लेकिन वो सोच रहे हैं कि मुझे इन सारी चीजों से बाहर आ जाना चाहिए, और बल्कि मुझे अपने पैरों पे खड़े हो जाना चाहिए और आत्मनिर्भर बन जाना चाहिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं, ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है काफी टफ है, इसको ध्यान से सुनिएगा। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरी की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में। देखिए मैं पहले मतलब समझा देती हूँ। पाताली अंधेरे का मतलब होता है धरती के नीचे जो पाताल पाया जाता है ना, वो वाला अंधेरा, धरती के नीचे जो पाताल होता है उसका अंधेरा। विवरों का मतलब होता है बच्चों सुरंग, यानी कि बिल, जो गुफाएं होती हैं उसके अंदर जो सुरंगें होती हैं। और धुएं के बादल का मतलब होता है जो दम घुट जाता है जिसमें हमारा, उस तरह का जो धुआं होता है, इस तरह से, ठीक है। आइए हम समझते हैं, देखिए, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं। कवि कहता है कि हे प्रिय, मुझे सचमुच दंड दो कि मैं पाताल की अभेद गुफाओं में, भीषण सुनसान अंधेरी सुरंगों में, और जो दम घोटू बादलों के में विलीन हो जाऊं। मतलब वो इस तरह का दंड मांग रहा है कि जो पाताल के नीचे वाला जो अंधेरा होता है, जो गुफाएं होती हैं, कहीं ना कहीं मैं उसमें जाके हो जाऊं, और उन धुएं के बादलों में मेरा दम घोटू जो धुआं है उसमें मेरा कहीं ना कहीं दम घुट जाए, अर्थात उन बादलों में मैं कहीं ना कहीं विलीन हो जाऊं, अर्थात मैं पूरी तरह से उनमें खो जाऊं, अर्थात मेरा जो जीवन है वह धुएं में कहीं ना कहीं घुटन, धुएं का जो घुटन है उसमें दब कर समाप्त हो जाए, उस तरह का दंड मांग रहा है। बिल्कुल मैं लापता, आगे वो कह रहे हैं कि मैं इतना अकेला हो जाऊं, इतना लापता हो जाऊं कि इस लापता की होने की जो परिस्थिति है, स्थिति है, उसमें भी मैं कहीं ना कहीं कैसा रहूं, खुश रहूं, प्रसन्न रहूं, क्योंकि मुझे वहां भी तुम्हारा सहारा होगा। कभी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब मैं उन गुफाओं में जाऊं, दम घोटू में मेरा दम घुट जाए और मैं पूरी तरह से उन धुएं में विलीन हो जाऊं, समाप्त हो जाऊं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा होना चाहिए कि वहां भी मुझे तुम्हारा सहारा होना चाहिए। जब मैं लापता हो जाऊं, कहीं खो जाऊं उन धुएं में, तो मुझे तुम्हारा सहारा मिलना चाहिए।
आगे देखिए नेक्स्ट लाइन, लापता की वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है। कभी हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां भी मुझे तुम्हारा सहारा होगा। ये दो लाइन, दो बार लाइन है बच्चों, कि वहां भी मुझे तुम्हारी यादों का सहारा होगा, मेरी उस परिस्थिति में, उस स्थिति में भी मैं प्रसन्न रहूंगा, खुश रहूंगा, क्योंकि मुझे जब तुम्हारा सहारा है और तुम्हारी इस स्थिति के कारण मैं वहां तुम उपस्थित रहोगी, अर्थात तुम वही रहोगी। आगे देखिए, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है। देखिए इसलिए है ना, तुम ही, तुम्हारी प्रेममयी जो यादें हैं वो मुझे अकेलेपन में भी खुश रखेंगी, क्योंकि मेरे पास क्या है, तुम्हारे प्रेम का सहारा है, इसलिए मेरे अकेलेपन में भी तुम्हारी जो यादें हैं वो मुझे कैसे रखेंगी, खुश रखेंगी। और मेरा ऐसा मानना है, अर्थात मेरा ऐसा विश्वास है कि मेरी जो भी सत्ता है, यानी कि मेरे पास जो भी कुछ है वो तुम्हारा अपना है या किसी भी कारण तुम्हारा हो सकता है, ये संभव है, अर्थात वह सभी किसी न किसी कारणवश तुम्हारा है, सभी वे तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। नेक्स्ट लाइन है, कभी कह रहा है कि तुम्हारे प्रेम से संचालित होकर मैंने जो भी कार्य किए हैं, अर्थात तुमसे प्रेरित होकर मैंने जो भी कार्य किए हैं, या ये सभी उन्हीं कार्यों का परिणाम है, अर्थात ये सब उन्हीं कार्यों का परिणाम है। मेरा वर्तमान आशय है कि तुम्हारी प्रेरणा के कारण मेरा जो जीवन है वो बना है, मिटा है, अर्थात मेरे जीवन में जो भी कुछ हुआ है उसी का कारण तुम हो, मेरे जीवन में जो भी कुछ हुआ है वो उसकी वजह तुम हो, मैं अगर जीवन में कुछ कर पाया हूँ, कुछ बन पाया हूँ, उसकी वजह भी तुम हो। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। नेक्स्ट लाइन देखिए, तो कभी कह रहा है, प्रिय मेरे जीवन में जो भी कुछ है, जो भी है अथवा पहले था, वो सब मैंने खुशी और प्रसन्नता के साथ तुम्हें सुपुर्द कर दिया है, अर्थात इसमें भी मुझे सुख मिलेगा, क्योंकि अगर जो कुछ तुम्हारा है वो भी मेरा है, वो भी तुम्हारा ही रहेगा, और इस ऐसी स्थिति में मैं अपना मानकर प्यार पूरा जीवन तुमसे जुड़ा रहूंगा। अर्थात कहने की कोशिश कर रहा है कि जब तुम मेरी चीजों को यूज करोगी, उन काम को करोगी, या मेरा जो भी चीज है तुम रखोगी, तो कहीं ना कहीं मेरे सुख की, दुख की जो भी चीजें हैं उनसे मैं कहीं ना कहीं बहुत खुश हो जाऊंगा, और मेरा, मैं पूरे जीवन तुमसे कहीं ना कहीं डायरेक्टली जुड़ा रहूंगा। देखिए कहने का तात्पर्य ये है कवि का कि वो किस प्रकार से उससे जुड़ा हुआ है, चाहे हमारा दुख हो, अगर हमसे कोई प्यार करता है तो वो हमारे दुख में भी शामिल है, हमारी खुशी में भी शामिल है, सुख दुख में शामिल है, तो वो इसलिए कवि को कह रहा है, अपनी प्रेयसी को कह रहा है कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, अर्थात मेरे जो भी दुख है उन दुखों का भी तुम हिस्सा हो, मेरे सुखों का भी तुम हिस्सा हो, या मेरी जो प्रेरणा है उनका भी तुम हिस्सा हो, इसलिए तुम अगर मेरे दुख को भी अपना हिस्सा बनाती हो, मेरे दुख तुम लेती हो, मेरे दुख भी तुम्हारे हैं, मेरे सुख भी तुम्हारे हैं, तो मैं पूरी तरह से तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे इस बात की कहीं ना कहीं खुशी होगी। तो स्टूडेंट आज हमारा ये चैप्टर कम्प्लीट हो गया है, कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे।